क्या आपको अपना टेलीफोन नंबर याद है? आप ऑफिस से घर जा रहे हैं तो क्या आपको अपने घर का एड्रेस पता है? या फिर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं किसी दूसरी सिटी में जाने के लिए, तो क्या आप बिना टिकट देखे हुए बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, आप हो सकते हैं अगले अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, हमारे सदी के सबसे महान और जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ ऐसे ही थे। आज के वीडियो में अपन जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल से न भूलें। तो चलिए देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अमूमन एक बच्चा 1 साल की उम्र से लेकर के 2 साल की उम्र तक बोलना सीख जाता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखे थे। फिर 4 साल की उम्र में एक दिन अचानक रात को खाने के समय उनके मुंह से पहली बार आवाज निकली, और आवाज कुछ इस प्रकार से निकली कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर के उनके पेरेंट्स की खुशी और आश्चर्य दोनों का ठिकाना नहीं रहा। बाद में जब आइंस्टीन से पूछा गया कि आपने आज तक कभी कुछ बोला क्यों नहीं, तो आइंस्टीन का यह कहना था कि आज तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, आज पहली बार सूप पीने लायक नहीं था, यानी ज्यादा गर्म था, यानी कुछ एबनॉर्मल था, इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए आज मैं बोला, यानी पहली बार मुझे बोलना पड़ा। अक्सर स्कूल में आइंस्टीन को सभी टीचर मंद बुद्धि कहते थे, क्योंकि उनको स्कूल की चीजें आसानी से समझ में नहीं आती थी। और धीरे धीरे आइंस्टीन को भी ये लगने लगा कि वास्तव में उनकी बुद्धि का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है और वो मंद बुद्धि है। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने टीचर से पूछा कि सर, मैं अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए क्या करूं? तो अध्यापक ने आइंस्टीन को जो बात बताई आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, ये बात कही थी अध्यापक ने आइंस्टीन से। और आइंस्टीन ने इस बात को अपने मन में इस प्रकार से बैठा लिया कि उसी दिन से उन्होंने अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद वो किस मकाम तक पहुंची ये आप जानते हैं। फिजिक्स और मैथ में उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत और ऐसे ऐसे इक्वेशन दिए हैं जो आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य बनी हुई है, आज भी वो उनको सोल्व नहीं कर पाते। आइंस्टीन का ये फोटो आपने सबने देखा होगा जिसमें उन्होंने जीभ बाहर निकाल रखी है। नॉर्मली ये फोटो आप देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फोटो उनका कब का है? ये फोटो उनका 72वें जन्मदिन का है। 72वें जन्मदिन का जब सेलिब्रेशन चल रहा था तो बहुत सारे फोटोग्राफर उनको पहले ही बोल चुके थे कि फोटो के लिए स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। और जब किसी एक फोटोग्राफर ने फिर उन्हें दोबारा कहा कि स्माइल प्लीज, तो उस समय उन्होंने पोज देने के लिए ये इस तरह से जीभ निकाल करके अपना पोज दिया था। और ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्राणी जगत में सबसे जीनियस माना गया है, लेकिन आइंस्टीन का क्या मानना था? आइंस्टीन का यह मानना था कि सभी स्टूडेंट, सभी व्यक्ति जीनियस हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप उनको जज कैसे करते हो। अगर आप एक मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की कैपेसिटी के हिसाब से अगर जज करोगे तो वो मछली पूरी अपनी लाइफ टाइम मूर्ख यानी बेवकूफ ही रहेगी, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी को आप जल में तैरने के आधार पर जज करोगे तो वो एक ब्रिलियंट है, यानी वो एक जीनियस है। इसका मतलब सभी जीनियस है, लेकिन सबकी जो कैपेसिटी है, सबका जो क्राइटेरिया है, वो अलग अलग है। और इसीलिए उनके जन्मदिन यानी 14 मार्च को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आइंस्टाइन का यह मानना था कि अगर आप अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी बॉडी को पर्याप्त रिलैक्स मिलना चाहिए, और इसलिए आइंस्टीन दिन में 10 घंटे सोते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर मैं अपनी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्स दूंगा तभी मैं अपनी कंप्लीट वर्क कैपेसिटी के साथ में वर्क कर पाऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब एक बार कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पहली बार पहुंचे तो कॉलेज द्वारा ये पूछा गया कि आपको अपने लैब में क्या क्या सामान चाहिए, इसकी लिस्ट बना करके हमें दे दीजिए ताकि वो सामान हम आपको उपलब्ध करवा सके। तो इसके लिए आइंस्टाइन का यह कहना था कि मुझे चौक के कुछ टुकड़े, कुछ कागज और कुछ पेंसिल्स चाहिए, और मैं गलतियां बहुत ज्यादा करता हूं, इसलिए मुझे डस्टबिन के रूप में छोटी टोकरी नहीं बल्कि बड़ी टोकरी की आवश्यकता होगी। आइंस्टाइन का यह मानना था कि
कि जो व्यक्ति अपनी जीवन काल में कोई गलती नहीं करता है, इसका मतलब उसने कभी नया कुछ सीखने का प्रयास नहीं किया। और आइंस्टाइन का यह मानना था कि वो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। आइंस्टाइन को अपनी हैट यानी टोपी और अपने सिगार से बहुत लगाव था। एक बारी ऐसा कहा जाता है कि वो नदी में गिर गए थे और पूरे भीग गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिगार को भीगने से बचाया। एक बारी वो कहीं जा रहे थे और बरसात हो रही थी, लेकिन उनके पास में अम्ब्रेला नहीं था, बल्कि उनके पास में एक हैट यानी टोपी थी और उन्होंने अपनी टोपी को अपने बगल में कोट में दबा रखा था। तो राह चलते किसी ने पूछ लिया कि आपके पास में जब टोपी है तो आप उसको ओढ़ क्यों नहीं लेते, ताकि आपका सर भीगने से बच जाए। तो आइंस्टीन का यह कहना था कि सर अगर भीग रहा है तो थोड़ी देर बाद में वापस सूख जाएगा, लेकिन अगर मेरी हैट भीग गई तो ये खराब हो जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बार अपनी वाइफ के साथ में किसी प्रदर्शनी में गए, जहां पर एक बड़ा दूरबीन रखा हुआ था। तो उनकी वाइफ ने जिज्ञासावश पूछ लिया वहां पर कार्य करने वाले से कि ये इतना बड़ा क्या रखा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये दूरबीन है जिसके द्वारा हम अंतरिक्ष में जो छोटे छोटे पिंड हैं, ग्रह हैं, उनके बारे में देखते हैं और उनके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। तो उनकी वाइफ का ये कहना था कि इसके लिए आपको इतने बड़े यंत्र की क्या जरूरत है, मेरे हस्बैंड यही वर्क एक पेंसिल से एक छोटे से कागज पे ही कर लेते। एक बार किसी ने उनकी वाइफ से यह भी पूछा, क्या आपको अपने पति की थ्योरी यानी आइंस्टीन की थ्योरी समझ में आती है। तो उनकी वाइफ का यह कहना था कि मुझे उनकी थ्योरीज तो नहीं समझ में आती है, लेकिन वो समझ में आते हैं, यानी आइंस्टीन को मेरे समझ में आते हैं। अगर वो समझ में आ गए तो उनकी थ्योरीज मुझे समझने की फिर क्या। आइंस्टीन अगर चाहते तो वो और लंबी उम्र तक जीवित रह सकते थे, क्योंकि उनको जो बीमारी हुई थी उसका ऑपरेशन के द्वारा इलाज हो सकता था, लेकिन आइंस्टीन ने यह कहकर के इलाज नहीं करवाया कि मुझे प्राकृतिक रूप से जितना जीना था मैं जी चुका हूं और आर्टिफिशियल लाइफ मुझे पसंद नहीं है, यानी प्राकृतिक रूप से मेरी जितनी आयु थी वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं और अब मशीनों के सहारे यानी आर्टिफिशियल रूप से मैं जीवित नहीं रहना चाहता। उनके मरने के पश्चात उनकी इच्छा थी कि उनके शरीर के साथ में कोई छेड़खानी न की जाए, लेकिन एक डॉक्टर ने बिना किसी की जानकारी के उनके दिमाग को निकाल करके और लंच बॉक्स में उनको छिपा करके उनके दिमाग को और वहां से भाग गए थे। और उसके बाद उन्होंने उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में संग्रहित रखा और 20 साल बाद में आइंस्टीन के बेटे से जब उनको परमिशन मिल गई कि आप इनके दिमाग पर शोध कर सकते हैं, तो उनके दिमाग पर अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा शोध की गई। उनके दिमाग का वजन लगभग 1230 ग्राम था, लेकिन एक एडल्ट के दिमाग का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, यानी उनके दिमाग का वजन एक एडल्ट से कम था। बट शोध में ये पता चला कि उनके माइंड में जो सेल्स हैं, उनके ब्रेन में जो सेल्स हैं, एक नॉर्मल एडल्ट की तुलना में उनके माइंड में सेल्स ज्यादा थी। वेट कम था लेकिन माइंड में सेल्स की संख्या ज्यादा थी। आइंस्टीन की ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आइंस्टीन के बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं या अदर भी कुछ जानना चाहते हैं या अदर किसी साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।